पॉसिबल हुआ है ना सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। हे फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका सुकांजी व्लॉग में। और आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज मंडे है और आज मेरा ऑफिस का हॉलीडे है, तो आज मैं काम पे नहीं गई। और इसलिए मैं अभी शाम हो रही है, शाम के 5:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ अपने घर के नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। सुबह से बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ा सा ठीक है, वेदर ठीक है, बट ठंड है, तो सोचा कि यहाँ पर आके थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। आज ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश भी हुई थी, तो उससे और ज़्यादा ठंड हो गई, तो इस वजह से अभी लोग बहुत ज़्यादा कम है, वरना हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है अक्सर। तो आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कुछ गिने चुने लोग हैं बस। क्या पता शाम को आ जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। अभी भी कहीं कहीं पर थोड़ा गीला है बट अभी ठीक है। तो चलो आगे चलते, आपको दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप देख रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा धूप वगैरह मिल जाए तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा धूप में धूप सेक लूँगी, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। उस साइड है थोड़ी सी धूप, तो अभी देखती हूँ वहाँ पे चलकर। बाकी चलो आगे और चलते हैं। और चलो आपको दिखाती हूँ आगे। आपको मैंने हमेशा ये वाली लेक दिखाई है, बट कभी कई बार ऐसा हो रहा होता है कि कई बार अंधेरा हो रहा होता है और कई बार इतनी शाम हो जाती है कि ठीक से ये दिख ही नहीं पाता। तो हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ पर दिखा नहीं पाती हूँ। तो आपको मैं अभी ये दिखाती हूँ, ये है मेरे घर के नीचे की लेक। और लोग जब भी सुखे इधर से वो जो मैं रास्ता दिखा रही हूँ वहाँ से जाते हैं काम पे। और ये जो है ना, इस ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके जस्ट आगे ही जाके ना सुखी का ऑफिस है। तो वो जब भी यहाँ से आते हैं कई बार हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, इधर बैठ के चिल करते हैं, तो ये है। और कई बार हम उधर जो आप देख रहे हैं घास, हम कई बार वहाँ पे भी बैठ जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ का व्यू। और ये बहुत ही बड़ा पार्क है। मैंने आपको पिछली वीडियो में, मतलब एक दो दिन पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये ओपन व्यू है, ओपन गार्डन है पूरा। और ये साथ में इसके ये लेक है और यहाँ पे इतने सारे बतख होते हैं और कबूतर। वहाँ पे देखो अभी भी कबूतर है वहाँ पे। और यहाँ से ना ये वाली जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे अक्सर जो भी लोग अपने डॉग्स को लेकर आते हैं, पेट को लेकर आते हैं ना, वो हमेशा उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका टॉय फेंक देते हैं ताकि वो फिर खुद डॉग जाते हैं उनको लेने के लिए वहाँ पे। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। मैंने आपको उस दिन दिखाया था शायद, जब मैं अभी दो तीन दिन पहले का जब मैंने व्लॉग बनाया था तब रात में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइटें जल रही थी, तो लाइट का व्यू कितना प्यारा आ रहा था। तो ऐसा ही शाम का भी व्यू यहाँ पे। और चलो चलते हैं। तो ये देखो आज सच में बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा। वरना ये जितने भी बेंच आपको दिख रहे हैं ना, सब बेंच फुल होते हैं, एक भी खाली नहीं होता। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, उधर बैठे रहते हैं, सब अपने कुत्तों को लेके बैठे रहते हैं। कोई उधर खेल रहा होता है, कोई उधर खेल रहा होता है, बट आज पहली बार ऐसा दिखा है कि आज कोई भी नहीं है। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक टॉयलेट भी रखा हुआ है, वो वाला, वो जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो वो टॉयलेट है, कि पब्लिक टॉयलेट है वो। और ये वैसा वाला फिक्स वाला नहीं है, ये कहीं पे भी उठा के इसको कहीं पे भी रख सकता है, बट इसको अभी इधर ही रखता है। तो ये है, तो देखो ये मैंने कई बार बताया, देखो ये इस पेड़ के ऑलमोस्ट पत्ते झड़ चुके हैं और ये देखो ये गिरे, ऐसा हो गया है। तो आप देख सकते हो, ये देखो धूप भी निकल गई है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी धूप आ रही है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी घर पर आ गई हूँ और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ।
जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ सुखी के आने से पहले। तो एक प्लेट पड़ी हुई थी, इसको मेरे को साफ करके धो के फिर उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करती हूँ काम। तो मैंने ये आटा सुबह गूंद के रखा था, बट सुखी आज दोपहर में गए थे काम पे, तो इस वजह से मैंने रोटी बनाई नहीं, सिर्फ सैंडविच बनाया था। तो मैंने वो आलू बॉईल किए थे, तो वो आलू जो थे बच गए थे। तो अब मैं इस आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, बॉईल्ड आलू की, तो वही बनाने जा रही हूँ अभी फिलहाल। मैं प्याज वगैरह इन सब्जी के लिए काट के रख रही हूँ। ज्यादा तीखी थी ना ये प्याज, मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, बहुत ज्यादा तीखी है। इतना तो मैं जब इंडिया में प्याज काटती थी तब मेरी आंखों से इतने आंसू नहीं आते थे जितना इनको काट काट कर आते हैं। गाइस देखना मुझसे क्या हुआ, इसको मैंने धो के रखा था वहां पर ये, हाँ, और ये देखो टूट के गिर गया, दोनों के अलग अलग हो गए पूरा। और ये वैसा नहीं है, इसमें कोई पेचकस नहीं लगता, ये जस्ट ऐसे ही उससे जुड़ा हुआ था और इससे पूरा गिर के यहाँ पर गिरा सिंक में और टूट गया। अब सुखे को आएगा तो बताऊंगी इसको कैसे जोड़ते हैं, नहीं तो फिर नया वाला लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मैं इसको रख देती हूँ इसके अंदर ड्रॉर में, और अब मैं तड़का लगा रही हूँ खाने में फटाफट से, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये मैंने सब्जी बना ली है और अब मैं इसको ढक देती हूँ और बाद में जब खाना खाएंगे तब दिखाऊंगी। मैंने खाना बना लिया है, बस अब मुझे रोटी बनानी है। अब जब वो आ जाएंगे उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी गरम गरम, क्योंकि बाकी जो दिन होते हैं जिनमें हम लोग काम पर होते हैं, मैं जॉब पर होती हूँ तो मैं रात में आती हूँ, तो फिर जो मैं सुबह खाना बना कर जाती हूँ शाम का भी, दोपहर में जब जाती हूँ उससे पहले बना के रख जाती हूँ, तो वो ही वो खाते हैं खुद माइक्रोवेव में गर्म करके। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं घर पर ही हूँ, मंडे वो काम पर मैं घर पर हूँ, तो कि रोटी मैं जब वो आए तब गर्म गर्म बना कर उनको खिलाऊँगी। तो इसलिए अब जब वो आ जाएंगे उसके बाद मैं जब उनको खाना होगा रोटी तो उनको गर्म गर्म बना कर खिलाऊंगी। हाँ जी देखो अभी सुखी आ गए हैं, हेलो दो, हेलो बोल दो। तो आज का दिन कैसा रहा आपका? बढ़िया था, थका हुआ था? आज सुखी ने बहुत मेहनत करी, आज वो बहुत थक गए हैं, और अब मैं इनको फटाफट से खाना बना के दूंगी फिर रेस्ट करेंगे। आज बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा, और बारिश अभी भी बारिश हो रखी थी, और मैं भी इनको लेने के लिए गई थी छाता लेकर, तो
जैसी छाता लेकर गए लेने के लिए गई, वैसे आते आते ही बारिश ही रुक गई। जब से इतनी दूर से आ रहे थे तब बारिश नहीं रुकी, और जैसी मैं छाता लेके गई तुरंत बारिश रुक गई। देख लो ऐसे होता है। ओ बल्ले बल्ले, ओ शबा शबा, ओ टिंग चिका टिंग चिका टिंग चिका टिंग चिका टिंग चिका टिंग चिका टिंग चिका। आई एम सो हैप्पी टुडे गाइस, ये देखो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव, आई एम सो 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 मच हैप्पी। ये सब जो भी पॉसिबल हुआ है ना, सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप मेरे वीडियोस ना देखते और 1000 मेरा अगर सब्सक्राइबर ना होते तो आज शायद मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, पर हो गया बिकॉज ऑफ यू। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपको मैं बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो थैंक यू सो 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 मच, आई लव यू। हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है आज, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू, ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप लोग इतना सपोर्ट ना करते, चैनल सब्सक्राइब ना करते और वीडियोज़ को ना देखते तो फिर तो ये सब तो पॉसिबल था ही नहीं। बट बिकॉज ऑफ यू सब, एक एक बंदा जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को देखा है, उन लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो, और आप भी जल्दी जल्दी से व्लॉग बनाओ या जो भी आपका दिल करता है वो करो, ताकि आप भी सक्सेस हो। और अब हम अब मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ देख कर। इतने दिनों से वेट कर रही थी मैं, कहा अब आएगा अब आएगा। अब इतने 3 दिनों से मेरा चैनल रिव्यू पे गया था, अब 72 आवर्स बाद मेरा चैनल वो आया और उसमें दिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, अब मैं एलिजिबल हूँ, अपना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से, एंड लव यू। तो जी अब हो गया है हमारा सोने का टाइम, आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है। कितने टाइम बज रहे हैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो 11 बजने वाले हैं। तो आज का हम व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। और उससे पहले आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, तो ये 100% सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। तो ऐसे ही आगे भी हमें अपना प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना, ताकि हम और आगे बढ़ें, ठीक है। और मैं बहुत दिल से दुआ करूँगी, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे को सपोर्ट किया है, वो लोग भी बहुत खुश रहे, बहुत तरक्की करें, और सब कुछ अच्छा हो, चंगा हो, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अपने परिवार का ध्यान रखना। और फिर से दिल से सो मच थैंक यू, एंड बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।